नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रात की रेसिपी, डिनर रेसिपी। तो आज है 15 अप्रैल और अभी सबसे पहले मैं डिनर बना लूँगी। और अभी डिनर का टाइम है, करीब 8 बज रहे हैं, तो मैं 9 बजे तक डिनर बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आयुष को पढ़ाने का काम करती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से जो ग्रेटर होता है उसे ग्रेट करके और इस तरह से पानी को निकाल लेना है आलू का, ताकि जो एक्सेस पानी है उसमें से निकल जाए। और जब इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा वगैरह मिक्स करें, जब इसका डो बनाए, तो उसमें से पानी ना निकले। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा पानी को अब निचोड़ के ज़रूर निकाल लें। और पानी निकालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन और गोल मिर्च। गोल मिर्च को भी मैंने साथ में कूट लिया था अदरक लहसुन के साथ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल दिया 3 चम्मच। फिर अच्छे से बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच इसमें मैदा। और उसके साथ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, जिससे कि टेस्ट भी अच्छा आए और कलर भी। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस डालना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम पहले ही नमक मिला देंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा। तो कढ़ाई के गर्म होने के बाद ही इसमें नमक ऐड करना है और उसे अच्छे से मिक्स करके मंचूरियन बॉल्स को तल लेना है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसे मीडियम फ्लेम पे तल लूँगी। तो यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स को मैं मीडियम फ्लेम पे तलूँगी, ताकि जो मंचूरियन बॉल्स है अच्छे से अंदर तक पक जाए। और अगर इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप इसे डबल फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल फ्राई करके एक बार में ही अच्छे से ब्राउन करके फ्राई कर ले रही हूँ। और अगर आप इसे डबल फ्राई करना चाहते हैं तो एक बार हल्का फ्राई करके उसे निकाल के रख लें, फिर उसे थोड़ी देर बाद यानी 2 मिनट बाद उसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डबल फ्राई करें। और साथ ही साथ मैं डिनर में बना रही हूँ भिंडी मसाला। तो यहाँ भिंडी को मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं और उसे मैं थोड़ा सा तेल और 1 मिर्च और साथ ही साथ मैं प्याज डालूंगी और हल्दी नमक और थोड़े से मसाले उसमें ऐड करूंगी। तो इस तरह से मसाला भिंडी बन जाएगा। और यहाँ पे एक बार का मंचूरियन बॉल्स मैंने तल लिया है और अब मैं दूसरी बार का तल रही हूँ। तो सारे मंचूरियन बॉल्स मैंने तल लिए हैं और अब मैं बनाऊंगी इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मैंने फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। और मंचूरियन का जो ग्रेवी होता है रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा अच्छा बनता है, तो रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन इसमें डाल दिया है। तो फ्राइंग पैन थोड़ा बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, तो इसमें तीनों चीज़ मैंने एक एक साइड डाल दी है और तीनों को थोड़ा थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से इसे ब्राउन करके फ्राई कर लेना है और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉस। तो सॉस वाला जो क्लिप है, सॉस डालने वाला, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे मैंने फ्राई होने के बाद मैंने डाला है सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच। सोया सॉस का मात्रा जो है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है और सॉस से। तो उसके बाद मैंने टोमेटो केचप डाला है 1 छोटा चम्मच और उसके बाद चिली सॉस, रेड चिली सॉस भी मैंने डाला है और साथ ही साथ मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस 1/2 चम्मच डाला है। और इस तरह से सारे सॉस को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी 2 मिनट तक। तो सारे सॉस को अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जो मंचूरियन बॉल्स होता है वो पानी को एब्जॉर्ब भी करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का जो पानी है, कॉर्नफ्लोर में पानी थोड़ा सा मिक्स करके, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने लिया, उसमें पानी मिक्स करके और इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बन जाए। और इस तरह से यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर का पानी डाल दिया और कॉर्नफ्लोर का पानी डालते ही देख सकते हैं ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पर ग्रेवी गाढ़ी हो गई है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सेजवान चटनी। और अगर आपके पास सेजवान चटनी हो तो आप ज़रूर मिक्स करें, क्योंकि इससे जो मंचूरियन का फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, बहुत अलग टाइप का होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सेजवान चटनी डाल दिया और अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी, इसे पकाना नहीं है। और बस मंचूरियन बॉल्स को डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करते हुए अच्छे से बस बन गया हमारा मंचूरियंस। तो ये हमारे आज के डिनर की एक रेसिपी है। वैसे तो जो मंचूरियंस है वो स्टार्टर में खाया जाता है, लेकिन हम लोग कभी कभी डिनर में, कभी कभी लंच में भी बना लेते हैं, तो ये अपने खाने के टेस्ट के अनुसार है। तो अभी डिनर मेरा बन गया। तो आज तारीख है 15 अप्रैल और अभी बजा है 9:02 और आयुष यहाँ पढ़ाई कर रहा है और मेरा डिनर आधा बन गया है और अभी आधा बाकी है बनना। तो आज मैं मिलवाऊँगी आप लोगों को आयुष के पापा से और उनसे पूछेंगे कि मेरा वीडियो बनाना उनको कैसा लगता है आपके सामने। तो चलिए, तो अभी आ गए हैं आयुष के पापा मेरे वीडियो में और इनको टाइम नहीं मिलता है और ऐसे भी मैं इनको वीडियो में नहीं लाती थी,
क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती थी तो ये सामने नहीं होते थे, ऑफिस में रहते थे। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा मतलब मेरा वीडियो बनाना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना अच्छा बात नहीं है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? आवाज थोड़ा सा जाए पब्लिक के पास, वैसे बोलिए। बनाना चाहिए, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इनका विचार है कि बनाना चाहिए और इनके सहमति के कारण ही तो हम बना पा रहे हैं। सबसे बड़ा बात ये है कि ये सहमत है, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे आयुष के पापा अब लेट गए हैं वीडियो में आने के बाद, वो थक गए बहुत ज़्यादा बोल लिए। और आयुष यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और अभी वो कंप्यूटर पढ़ाई कर रहा है ना, होमवर्क मिला है कंप्यूटर में। तो अब हम लोग करेंगे डिनर क्योंकि टाइम हो गया है रात के 10:30। और यहाँ पे मैंने तीनों की थाली लगा ली है और डिनर सर्व करने के बाद हस्बैंड को अंदर में रूम में डिनर करना था, तो मैंने उनकी थाली वहीं पे दे दी है। और यहाँ पे मैं और आयुष अब डिनर करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिलते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।